हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस आई सी आई टी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ ओ लेवल के बारे में। ओ लेवल क्या है, ओ लेवल कैसे करें, ओ लेवल में कितने पेपर होते हैं, ओ लेवल के एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, कितना मार्क्स आपको मिलना चाहिए पास होने के लिए, और कहाँ से करें, किस संस्था से करते हैं करें, या किस संस्था इसको कराती है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये संस्था हमारी नाइलिट है, या NIELIT। पहले इसका नाम रोहित सोसाइटी होता था, इसका नाम परिवर्तन हो चुका है और अब इसका नाम है NIELIT, जिसे हम लोग नाइलिट कहते हैं। नाइलिट का पूरा नाम भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में कह सकते हो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भारत सरकार संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है। ये हमारे यहाँ लोग जो भी हों पूरे इंडिया में, ओ लेवल यहीं से किया जाता है। ओ लेवल है, CCC है, BCC है, और ए लेवल है, बी लेवल है, सी लेवल है, इतने और भी कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स संस्था हमारी ये कराती है। तो इसकी मेन ऑफिस न्यू दिल्ली, और ऐसे सारे स्टेट में अलग अलग रीजनल ऑफिस भी बनाए गए हैं। तो हम आपको बता रहे हैं ओ लेवल के बारे में, ओ लेवल के कितने पेपर होते हैं, क्या क्या कंटेंट्स हैं, ये सारा चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपका जो चैनल का नाम SICIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो आपके लिए बनाया है, ओ लेवल सिलेबस लाया गया है यहाँ पे। ओ लेवल सिलेबस में हमारे कितने पेपर हैं, चारों पेपर का नाम यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। जैसे IT टूल्स नेटवर्क बेसिक्स, ये पहला पेपर है M1 R5, M1 का मतलब Module 1, R5 Revised 5। पांचवी बार सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, इसके बाद इसका नाम रखा गया R5। सेकंड पेपर हमारा वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जिसका नाम M2 R5। थर्ड पेपर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, M3 R5। फोर्थ पेपर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, M4 R5। ये चार पेपर हैं, चारों पेपर आपको विद इन 12 मंथ, यानी कह सकते हैं कि साल में हमारे यहाँ दो बार पेपर होते हैं, एक जनवरी फिर जुलाई। जिसने जनवरी में दिया होगा, फिर सेकंड पेपर सेकंड सेमेस्टर हमारा जुलाई में होगा, जो जुलाई में आया होगा वो जुलाई और जनवरी में देगा। एक एक पेपर भी दे सकते हो, दो दो पेपर दे सकते हो, चाहो तो आप चारों पेपर एक साथ दे सकते हो। ठीक है, तो IT टूल्स पहला पेपर है नेटवर्क बेसिक्स, IT का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, और इसमें हमारे पास देखिए सिलेबस में क्या क्या आ रहे हैं, ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ऐसे हमारा सेकंड पेपर है इंट्रोडक्शन, जिसका पेपर का नाम आपको पहले बताया जा चुका, दोबारा आप देख रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, कोड एडिटर्स हैं, HTML हैं, CSS हैं, CSS का पूरा नाम होता है कास्कैडिंग स्टाइल शीट, CSS फ्रेमवर्क, JavaScript, फोटो एडिटर, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। इसके अलावा आपको थर्ड पेपर हमारे पास है, जो थर्ड पेपर का नाम प्रोग्रामिंग पाइथन सॉल्विंग प्रॉब्लम, वो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, एक आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके पहले हमारे यहाँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलते थे, अब न्यू टेक्नोलॉजी का आपका पाइथन आ गया है, पाइथन सी से अच्छा है, अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है, बच्चों को जो थर्ड पेपर में पढ़ाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सबसे पहले ये बताया जाएगा, उसके बाद हमारा एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट और एल्गो के बारे में बताएंगे, फिर पाइथन का परिचय होगा, ऑपरेटर एक्सप्रेशंस ऑन पाइथन, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर जो यूज़ किए जाते हैं, सीक्वेंस है, फंक्शन है, मॉड्यूल्स है, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो तीसरे पेपर का क्या नाम है, ये IoT एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो हमारा फोर्थ पेपर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको बताया जाएगा इसी में, इंटरनेट के बारे में कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, एंटोपोलॉजी, बहुत सारे इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता हम लोगों के यहाँ। आप फिर आप ये सब होने के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट यूज करेंगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट चारों पेपर फाइनल होने के बाद भी दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो प्रैक्टिकल,
और इसके जो कंटेंट्स हैं, एप्लीकेशंस एंड डिवाइसेस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, कम्युनिकेशन मॉडल हैं, थिंग्स एंड कनेक्शंस हैं, और बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन हैं, उसके बाद सिक्योरिटी फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम, ये सब हमारे फोर्थ पेपर के सिलेबस हैं। और ये सब होने के बाद फिर कोई कहता है कि लेवल को कहाँ पे यूज कर सकते हैं पढ़ने के बाद कंप्लीट होने को, बहुत सारे जॉब रोल भी हमारे पास हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर हैं, वेब डिज़ाइनर और वेब पब्लिसिकेशन असिस्टेंट के रूप में वर्क कर सकते हो, ऑफिस एप्लीकेशन भी जा सकते हो, आईओटी एप्लीकेशन इंटीग्रेटर हैं, गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे ऑफिस है, रेलवे UPPCL में है, UPP में भी होते हैं, और कह सकते हो आयकर विभाग में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो गाइज, यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करें, अपनी राय कमेंट के माध्यम से व्यक्त करें, क्या मेरा वीडियो अच्छा है, वीडियो अच्छा है तो कमेंट में लिखें, बताएं कैसे एडमिशन लेते हैं ओ लेवल में। तो सब एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए, एग्जामिनेशन जो हमारा होगा 2 सेमेस्टर में होता है, जनवरी जुलाई, पेपर फोर्थ पेपर होते हैं जो आपको यहाँ पे बताया जा चुका पहले भी, और लास्ट में भी हमारे लास्ट वीडियो में भी बताया जा रहा है, M1R5 है, M2R5, M3R5, M4R5। तो गाइस, आपने देखा, आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे जॉब रोल भी हैं, और ओ लेवल को कैसे पढ़ें, कितने मंथ का ड्यूरेशन होता है, 12 मंथ का होता है, ये आपको बताया गया। और इसमें खास चीज़ें ये हैं कि अगर डिप्लोमा कोर्स है, 1 ईयर अगर आपने मेहनत करके पास कर लिया तो आप कहीं ना कहीं जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और आपको पैकेज भी ठीक ठाक मिल जाएगा डिप्लोमा के अकॉर्डिंग। और गाइस, आपको मैंने सारा सिलेबस बताया, पास होने के लिए आपको एक एक पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स आपको ऑब्टेन करना होगा पास होने के लिए, और OMR sheet पे एग्ज़ाम होते हैं, साल में 2 ही बार एग्ज़ाम होते हैं, 6 मंथ पे, अगर कोई जनवरी में पेपर दिया होगा तो फिर जुलाई में उसका नंबर आएगा, जुलाई में जो एनरोलमेंट करेगा जुलाई के लिए जुलाई में होगा, फिर जनवरी में देगा। ऐसे आप चाहो तो एक एक पेपर, दो पेपर और सब सारे पेपर एक साथ भेज सकते हो, लेकिन 1 ईयर लगभग लग जाते हैं फाइनल होते होते। आपका जो पास होते हैं, आपको रिजल्ट ऑनलाइन चेक करेंगे, आपकी जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट आएगा वो PDF में ही आता है, आप 1-1.5 महीने में आपको मिल सकता है ऑनलाइन। तो मेरा वीडियो यहीं तक था, वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।